सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पॉइंट फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्निकल पॉइंट फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप व्हाट्सएप पर कैसे अनलिमिटेड गर्ल्स या बॉयज़ का मोबाइल नंबर जान सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि आप व्हाट्सएप पर जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों से ही चैट्स करते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप अननोन गर्ल्स या बॉयज़ से फ्रेंडशिप कर सकते हैं और चैट्स भी कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाना होगा हमें अपना प्ले स्टोर पर। ये रहा मेरा प्ले स्टोर और यहाँ पर टाइप करना होगा फ्रेंड सर्च फॉर व्हाट्सएप। यहाँ पर मैंने पहले से सर्च कर रखा था इसलिए सर्च हिस्ट्री में सबसे पहले शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है तो हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। ये बहुत छोटा सा MB का है, लगभग 2 MB का है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, नहीं तो तुरंत हो जाता। अब इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, उसे हमें अलाउ करते जाना है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नंबर नोट सेट। यहाँ पर हमें अपना नंबर पहले सेट करना होगा क्योंकि हमारे नंबर के ही हिसाब से कॉन्टैक्ट्स आएंगे, जिसका हमें सर्च करना है उसी नंबर के हिसाब से, उसी नंबर के जैसा कॉन्टैक्ट्स नंबर आएंगे। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर पहले सेट कर देते हैं। सेट पर क्लिक करना होगा पहले, उसके बाद मेल है या फीमेल उस पर हमें, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल पर। अब हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, उसके बाद ओके, फिर यहाँ पर ओके। ये मेरा मोबाइल नंबर सेट हो चुका है। अब अगर आपको फ्रेंड्स मेल चाहिए तो मेल पे क्लिक करना होगा, फीमेल चाहिए तो फीमेल पे, मेल फ्रेंड्स चाहिए तो मेल पे आप कर दीजिए, नहीं तो फीमेल पे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं किसी पर भी करके दिखा देता हूँ। तो सर्च करिए, यहाँ पर सर्च जो लिखा हुआ है फर्स्ट में उस पर हमें क्लिक करना होगा। अब ये देखिए, ये मेरा फ्रेंड सर्च हो रहा है। अभी 150 फ्रेंड सर्च होगा, उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर मेरा 150 कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। और यहाँ बोला जा रहा है कि अब आप व्हाट्सएप पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं या इनडायरेक्टली। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ अपने व्हाट्सएप पर, तो यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मेरा कॉन्टैक्ट्स तो यहाँ पर नहीं है। देखिए अब ये देखिए, यहाँ पर मेरा अननोन कॉन्टैक्ट्स बहुत सारा आ गए हैं। ये मैंने और भी पहले से कर रखा था इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। ये देखिए, ये सब अननोन कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं जिनसे हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं और चैट्स भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब चलिए हम बैक जाते हैं उस एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर अगर आप और करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से सर्च पे क्लिक करना होगा। अब ये देखिए, 150 फिर कॉन्टैक्ट्स मैं सर्च कर रहा हूँ।
ये मेरा सर्च हो रहा है, ये देखिए मेरा फिर से 150 कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो गया है। अब यहाँ फिर से मैं व्हाट्सएप पर जाने के लिए यस कर देता हूँ। पहले 300 कुछ था, अब देखिए 368 हो चुका है। पहले 315 था शायद, अब 368 हो चुका है। मतलब धीरे धीरे और भी बढ़ जाएगा, ये नेटवर्क की वजह से होता है थोड़ा प्रॉब्लम। 368 देखिए, 415 हो चुका है यहाँ पर। चार सौ पंद्रह अननोन कॉन्टैक्ट्स मेरे व्हाट्सएप में आ गए हैं। अब अगर हमें इन कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करना है तो ये देखिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है डिलीट सर्च्ड कॉन्टैक्ट्स, वहाँ पे क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने और भी पहले से कॉन्टैक्ट्स किया था सर्च, इसलिए मेरा 983 कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं जामा पहले से। तो अब देखते हैं, ये मेरा सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। So thanks, all the best.